दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। आज आपके लिए एक छोटा सा और विषय हम ले चुके हैं, वो है पानी का विषय। हमारे देश में इतना पानी है, दरिया हैं, बड़े बड़े नदियां हैं, बकरी हैं, और मैंने तो ये भी देखा है कि हमारी गलियों में भी पानी इतना होता है के पूछो मत। छप्पड़ हैं, बड़े बड़े इधर उधर डडू बोल रहे हैं। तो हमें देखना है कि अब ये जो पानी है इसका अच्छी तरह कैसे यूज़ किया जाए, इसको अच्छी तरह कैसे यूज़ किया जाए तो कमी ना रहे। हर वक्त हमें इसको यूज़ करना है अच्छी तरह। पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसा कोई देखना नहीं है कि हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने तो ये देखना है कि ये जो पानी है किसी के मुंह में नहीं चला जाए, ऐसे यूज करना है। और मैंने आपको कुछ टिप्स देने के लिए चुने हैं, वो आप अपने दोस्त, अपने शहरी लोग जितने भी हैं घर में, सभी को बताना है। इसके साथ क्या होगा कि आपके जो दोस्त हैं, आपका घर का जो है अच्छी तरह बिल भी बढ़ जाएगा और आपको ये भी अच्छा रहेगा कि आप अच्छी तरह इस पानी की सहूलत को यूटिलाइज कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि जो आप मशीन रखी हुई घर में, सभी के घर में होनी चाहिए। छोटे कपड़े में, किसी बाल्टी में नहीं धोना चाहिए पहली कपड़ा, ऐसा ये नहीं अच्छा लगता। तो हमने ये भी देखना है कि ये जो लोग हैं उस वक्त मशीन चलाते हैं तो जब ये पूरी भरती है, कैपेसिटी इसकी फुल होती है, ऐसे नहीं करना है। दो चार कपड़ा हो, बच्चे के छोटे छोटे कपड़े हो, मशीन चला दो बस ऐसे। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रख लिए 4500 लीटर पर मंथ पानी को वेस्ट कर सकते हैं बड़ी ईजिली। और उसके साथ और भी होगा कि आप जल्दी से बिजली को भी वेस्ट कर सकते हैं इतना करने से। देखो कितना अच्छा है। तो आगे दूसरी बात है कि जब भी आपको टाइम मिले शावर में चला जाइए, चले जाना चाहिए। बच्चों को, आप बच्चों को बार बार शावर लेना चाहिए। ऐसे ट्राई करो कि आप नहाते रहो, पानी वेस्ट करते रहो। ऐसे ये करोगे तो हम डेली 150 और 200 लीटर के करीब पानी वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से वेस्ट कर सकते हैं। फिर ऐसा है कि आप जब भी घर में हो ये देखो कि कहीं जो ये टूटी हैं वो तो नहीं कहीं बंद पड़ी, सही ऑन कर रखो, चलती रहनी चाहिए। कोई बात नहीं, पानी इतना है कि ये डेली यूज करो, रात दिन यूज करो तो सभी खुश रहेंगे। सभी जगह पे आपकी एप्लीकेशन की जाएगी, घर में बाहर में बिल वाले भी, सभी डिपार्टमेंट भी आपको खुशी खुशी मिलेंगे। बिल भी अच्छा आएगा, आपकी इधर उधर बहुत आवभक्त होंगी। तो आगे चलिए कि जो होली आती है उसके उसमें कोई पानी नहीं अच्छा यूज किया जाता, उसको स्टॉप नहीं करना है, गो ऑन एडिंग कर जितना भी हो सके। एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि जब आप ब्रश करते हैं ना उस वक्त टूटी फिर चलनी चाहिए, स्टॉप नहीं करना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि आप एटलीस्ट 200 लीटर पानी के जो एवरी मंथ हर महीने के अच्छी तरह वेस्टेज कर सकते हैं। देखो सिंपली है कि ब्रश करना है और पानी वेस्ट करना है, और क्या है, कितनी सौखा और इजी है वो। पानी जब आपको प्यास भी ना लगे फिर भी यूज करो, फिर भी पीते रहो, अच्छा रहता, सिस्टम अच्छा रहेगा। और टॉयलेट जाते रहो, उधर टॉयलेट पर चलती रहेगी, इधर पानी पीते रहोगे, पेशाब के जाने जाने से आपका मनोरंजन भी बना रहेगा।
एक मैं और बात बताऊं कि आपके जो स्प्रिंकलर लगे होते हैं घरों में, कई लोग लगा लेते हैं इंटेलिजेंट, ये नहीं लगाने चाहिए। पानी तो फिर होना चाहिए, छोड़ते रहो पानी सभी क्यारियों में, सभी आपकी जो गार्डन है चलता रहना चाहिए। जो हाँ छोड़ करो, आपका स्मॉल गार्डन है तो कभी कभी स्प्रिंकलर यूज कर दो। और देखो कि घर में कोई ऐसी तो नहीं है कि सभी बंद पड़ा है, सभी जगह पे लीकेज होनी चाहिए। आपके घर में जो लीकेज नहीं होगी तो पानी कैसे यूज करेंगे? जो टेस्टिंग के आपके घर में सभी टूटी और कहीं कहीं कुछ ना कुछ लीकेज चलती रहेगी, इसका अच्छा जो फायदा होगा कि घर में मोल्ड जल्दी लग जाएगी और बीमारी तरमाइश भी आ जाएगी, तो आपका बिल धीरे धीरे कम से ऊपर आ जाएगा, आपकी शोभा भी बढ़ जाएगी, ऊपर चले जाएगी। एक और बात है कि जब आप पानी पीते हो बड़े गिलास में पिए, थोड़ा सा पिए फेंक दिया, थोड़ा सा पिए फेंक दिया, इससे आपकी जो कंजम्पशन और वाटर है घर में बढ़ती दिखेगी, अच्छा रहेगा। द बिगर द कंटेनर द लेसर इज द कंजम्पशन ऑफ वाटर, जो मेरा सिद्धांत है आपका तो नहीं हो सकता। ऐसे है कि ये जब आप जो मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए जिसके पास एक दो ड्रॉप के पानी की है आप ऐसे वेस्ट कर लोगे, वही याद रखेंगे आपको, ये मेरी जो अवेयरनेस आपको है सही अवेयरनेस, बहुत कम लोग ये जानते हैं ऐसी चीज, तो इसको वाटर के वेस्ट के लिए आप से ही शुरू करो। कंजर्वेशन नहीं करनी है, पानी को बचाना नहीं है, तो मैं आपका जो बिल बढ़ाने में बहुत जल्दी से जल्दी सहाय हो सकता हूँ। तो आगे के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।